अल्लाह ताला हमारे जहनों में आने वाली बात को भी बराबर ऐसे ही जानता है जैसे जुबान से निकलती है तो जानता है। याद रखो इस बात को, ये ईमान का आला दर्जा है। मैं क्या तभी बोलिया तो महबूब सुन लेगा, मैं क्या तभी सोचा तो खुदा को मालूम हो जाएगा, ये ईमान का आला दर्जा है। मेरी सोच को आप नहीं जानते, आपकी सोच को मैं नहीं जानता, माँ बाप की सोच को बच्चे नहीं जानते, बच्चों की सोच को माँ बाप नहीं जानते। बाजू बाजू का रिश्ता है, बीवी की सोच से नावाकिफ शौहर है, शौहर की सोच से बीवी नावाकिफ है। रब्बे काबा की कसम, इस बात को अपने अंदर दाखिल करो, ये ईमान है मेरे दोस्तों, ये ईमान है। छुपकर गुनाह करेंगे, अल्लाह को दिखता कि नहीं दिखता ये दूर की बात है, सोचेंगे तब भी खुदा को मालूम होता है। रब्बे काबा की कसम, अगर मैं कुछ बोलूं तो महबूब सुन लेगा, इसे जितना डर है इससे ज्यादा डर एक मोमिन को इस बात का होना चाहिए, अगर मैं कुछ सोचूंगा तो मेरे रब को मालूम हो जाएगा। सोच रहा ही ना, क्या अच्छा रंगा उन्हें मिलिए तो टू व्हीलर में बिठा ले को गया तो कैसा रहेगा, हम ना भी आया तो ब्रेक मारा तो कैसा रहेगा। समझो, याद रखो, इन सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सोचना ही है तो अच्छा सोचो, क्या अच्छा रहेगा जब मैं काबे में हाजिरी दूंगा। हाजिरी दो के न दो, तुम्हारी सोच के मुताबिक अल्लाह तुम्हें बदला देगा। दीदारे खुदावन, दीदारे काबा आमाल में लिखा हुआ होगा। बंदा पूछेगा, अल्लाह मैं तो ऐसा गरीब था, मैं तो सिर्फ तस्वीर देखता था, मैंने काबे को कभी डायरेक्ट देखा नहीं। अल्लाह फरमाएंगे कि मेरे बंदे जानता हूं तूने तस्वीरों में मेरे घर को देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा। याद है तुझे, तुझे याद है जब तू तेरे दोस्त को हज के लिए विदा करने के लिए हज भवन या हज कैंप को गया था, वहां मैदान में उस मंजर को देखकर तू सोचा था क्या वक्त होगा जब मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। तेरा ये सोच मैं रिकॉर्ड किया, तू देखा कि नहीं देखा, अच्छी सोच का तुझे बदला मिल रहा है, सोचने का अजर मैं दे रहा हूं। जज़ा मिन रब्बिका अता'अन हिसाबा, अल्लाह की तरफ से एक जज़ा है। सोचना ही है, अच्छा अच्छा सोचो।